बिहार के मुंगेर जिले में रहने वाली पुतुल देवी की जान मंगलवार अगली सुबह करीब डेढ़ घंटे तक हलक में अटकी रही। करीब 5 फीट लंबे नाग ने उसके पैर को अपने शरीर से जकड़ लिया था और फन फैलाए खड़ा था। पुतुल देवी की हालत ऐसी थी जैसे सामने मौत खड़ा हो। घटना बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याण टोला गांव की है। वह बचने के लिए भगवान का नाम जपती रही, जमीन पर सो रही थी। सांप की फूम फकार से टूटी नींद। पुतुल देवी अपने घर के रूम में जमीन पर सो रही थी। उसके पति मनोज मंडल बरामदे में और बेटे अटवारी कुमार और लड्डू कुमार छत पर सो रहे थे। पुतुल ने मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगा रखी थी, लेकिन नींद में उसका एक पैर मच्छरदानी से बाहर आ गया था। रात के करीब 2:30 बजे सांप की फूम फकार सुनकर उनकी नींद टूटी। पुतुल ने देखा कि एक बड़ा नाग पैर से लिपटा है और पंख फैलाए देख रहा है। सामने मौत को देख उसके होश उड़ गए। वह चीखना चाहती थी, लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी खिड़की बंद गई थी। बचने के लिए करती रही भगवान को याद। पुतुल ने सांप के सामने हाथ जोड़ लिए और मन ही मन भगवान को याद करने लगी। घिक्की बंदे होने के चलते वह चीख तो नहीं पा रही थी, लेकिन उसके करारने की आवाज रूम से बाहर तक जा रही थी। छत पर सो रहे बेटे अटवारी कुमार ने पिता को इसके बारे में बताया। कुछ देर बाद बेटा जब रूम में गया तो देखा कि सांप माँ के सामने है। उसने बाहर आकर गांव के लोगों को इसके बारे में बताया। कुछ ही मिनटों में गाँव के लोग जुट गए। करीब डेढ़ घंटे बाद सांप ने महिला को छोड़ दिया और चला गया। गाँव के लोगों ने उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। सेट न्यूज़ की रिपोर्ट।